ओके नाउ नाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 301 एंड पैरेलल टू द प्लेन एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो एंड थ्री वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो 301 से पास हो रहा, किसी पॉइंट से पास हो रहा है। द लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट एंड लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 301 इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन। देखो हम कैसे लिखेंगे, x माइनस थ्री अपॉन ए इक्वल टू बाय माइनस जीरो अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन सी, इस तरह से हम उसे लिखेंगे। ठीक है, यह उस लाइन की इक्वेशन है जो लाइन 301 से पास हो रही है, थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन ए बाय माइनस जीरो अपॉन बी जेड माइनस वन अपॉन। अब ए बी सी क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो हैं। ए बी सी इज डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन, क्या है डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन है। ओके, ए बी सी इज द डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन। अब दिस इज लाइन वन। ओके, अब लाइन वन, कैसी है, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो प्लेन के पैरेलल है। लाइन वन इज पैरेलल टू प्लेन, किस प्लेन के पैरेलल है, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो के क्या है, पैरेलल है। ओके, दिस इज पैरेलल टू प्लेन एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। अब देखो कोई लाइन है और कोई प्लेन है, आपस में पैरेलल हैं। सपोज करो ये प्लेन है, ये व्हाइट पेज क्या है, प्लेन है, और ये पेन क्या है, लाइन है। अभी दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, प्लेन का जो नॉर्मल होगा, प्लेन का नॉर्मल लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। प्लेन का नॉर्मल किस पर परपेंडिकुलर होगा, लाइन पर। ओके, तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल कितना है, वन है, टू है और जीरो है। कैसे निकलते हैं, यह एक्स का कोफिशेंट क्या है, एक्स का कोफिशेंट यहां पर वन है, y का कोफिशिएंट 2 है, z का कोई टर्म यहाँ नहीं है, देयर इज नो एनी टर्म ऑफ z, सो कोफिशिएंट ऑफ z इज 0, सो डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल इज 1 2 0 हो जाएंगे। अब प्लेन का नॉर्मल और लाइन कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो इससे क्या इंप्लाई होता है, इससे जो इंप्लाई होता है ये फार्मूला लग जाएगा, दो लाइन यदि परपेंडिकुलर हो तो फार्मूला होता है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। किसकी कंडीशन है, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर एक लाइन के डायरेक्शन रेशो ए बी सी है, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो वन टू जीरो है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू वन प्लस बी इंटू टू प्लस सी इंटू जीरो इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो दिस इज ए प्लस टू बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब देखो ये लाइन वन, जो लाइन वन है, दिस इज द लाइन वन, ये किसी दूसरे प्लेन के भी पैरेलल है। वो कौन सा प्लेन है, वो है थ्री बाय माइनस जेड इक्वल टू जीरो।
थ्री वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो के क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाइन वन इज, ये हमने पैरेलल का साइन बना दिया, पैरेलल टू प्लेन, वो प्लेन का इक्वेशन कौन सा है भाई, ये है थ्री बाय माइनस जेड इक्वल टू जीरो, थ्री बाय माइनस जेड इक्वल टू जीरो। इससे हमें क्या जानकारी मिली, देखो यहाँ पर एक्स का कोफिशेंट जीरो है, तो ए इंटू जीरो, बी इंटू थ्री और सी इंटू माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो दिस इज थ्री बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन थर्ड। ये कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा ये, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन को, सेकेंड और थर्ड को, हम सॉल्व करके ए डायरेक्शन रेशो को पता कर सकते हैं, ए बी सी को लाइन के डायरेक्शन रेशो को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो देखो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको समझाते हैं, देखो, ठीक है, देखिएगा। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या है, ए प्लस टू बी इक्वल टू जीरो है, और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, थ्री बी माइनस सी इक्वल टू जीरो है। देखो कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम सेकंड वाले के कोफिशेंट को लिखना शुरू करेंगे, पहले बी के कोफिशेंट को लिखेंगे, टू है इधर, कितना है बी का कोफिशेंट, थ्री है, फिर सी का कोफिशेंट इसमें कितना है, इधर जीरो लिखा हमने, इधर सी का कोफिशेंट कितना है, माइनस वन है, फिर हम ए के कोफिशेंट को लिखेंगे, इधर वन है, और यहाँ पर इस वाले में ए का कोफिशेंट जीरो होगा, ओके, फिर हम बी के कोफिशेंट को लिखेंगे, ये टू थ्री सेम लिख लिया। अब देखो ए अपॉन क्या होगा, इसका इससे इंटू करेंगे, टू इंटू माइनस वन, फिर इसका इंटू करके माइनस कर देंगे, माइनस थ्री इंटू जीरो। अब बी जीरो इंटू जीरो माइनस माइनस वन इंटू वन, और सी इक्वल टू हो, सी अपन होगा वन इंटू थ्री माइनस जीरो इंटू टू, तो दिस इज ए अपॉन माइनस टू, बी अपॉन वन, दिस इज सी अपॉन थ्री, ये आ गया, ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। तो अब देखो इन ए बी सी की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन वन में पुट करेंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट करेंगे इसे। तो देखो इक्वेशन वन क्या है आपका, इक्वेशन वन है एक्स माइनस थ्री अपॉन ए बाय माइनस बी अपॉन जीरो जेड माइनस वन अपॉन सी, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो एक्स माइनस थ्री अपॉन माइनस टू इक्वल टू बाय अपॉन वन इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन थ्री, ये फाइनल इक्वेशन बन गया लाइन का, क्या बन गया फाइनल इक्वेशन, एक्स माइनस थ्री अपॉन माइनस टू इक्वल टू बाय अपॉन वन इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन थ्री, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ टेंथ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन r डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस 2 इक्वल टू जीरो। हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका पोजिशन वेक्टर, तो ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, ए वेक्टर हमें दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ए हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर भी ए होता है, वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब जो लाइन है, ए वाली जो लाइन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको बन ले लें हम, या अभी नहीं लें बन, पहले इसमें ए की वैल्यू पुट कर दें, तो दिस इज टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप
माइनस फाइव के कैप प्लस लैम्डा पी, दिस इज इक्वेशन वन। इसको काटते हैं। अब हम लिखेंगे लाइन वन, देखो लाइन वन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। लाइन वन इज, ये परपेंडिकुलर का हम साइन बना रहे हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन। लाइन वन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ओके। किस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो दिया हुआ है उसने, दिस इज क्या दिया हुआ है, आर डॉट सिक्स आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप प्लस टू इक्वल टू जीरो। जो प्लेन वन है, सॉरी जो लाइन वन है वो इसके परपेंडिकुलर है। सपोज करो, देखो जरा इधर देखिएगा, सपोज करो ये वाइट पेपर क्या है, इस वाले प्लेन का इक्वेशन है आई डॉट सिक्स आई माइनस थ्री जे प्लस फाइव के प्लस टू का। अब जो लाइन है, सपोज करो ये लाइन है, ये ग्रीन पेन क्या है, लाइन है, लाइन वन। अब इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा वह लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो वेक्टर बी होगा वो वेक्टर बी होगा सिक्स आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप। अब बी की वैल्यू हम इक्वेशन वन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इक्वल टू टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप प्लस लैम्डा सिक्स आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप। ये हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, टेंथ है आपका। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, 24C, ठीक है ना, 24C एक्सरसाइज का। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 1, 0, -1, 3, 2, 2 एंड पैरेलल टू द लाइन x -1/1 इक्वल टू y -1/-2 इक्वल टू z -2/3। हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इन दो पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 11 है, इसे हम लोग समझते हैं। 11 को देखो, हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, 1, 0, -1 ये दिया हुआ है पॉइंट 1, 0, -1। तो देखो क्या होगा प्लेन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन होगा आपका ए एक्स माइनस वन प्लस बी वाई माइनस जीरो प्लस सी जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको हम बन ले लें। अब दिस प्लेन वन, दिस प्लेन वन
पासिस। कहाँ से पास हो रहा है, किस पॉइंट से पास हो रहा है, वह हो रहा है 3-2-2। इस वाली पॉइंट से भी वह प्लेन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो पॉइंट्स इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो A3-1 प्लस B2-0 प्लस C2+1 इक्वल टू 0। दिस इज 2A+2B प्लस 3C इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड होगा। ओके, अब प्लेन वन पैरेलल टू द लाइन, प्लेन वन इज पैरेलल टू द लाइन। किस लाइन के पैरेलल है, वो है x-1/1 इक्वल टू y-1/-2 इक्वल टू z-2/3। इसके वह कैसा है पैरेलल है प्लेन वन। ओके, प्लेन वन इज पैरेलल टू द लाइन। अब देखो, सपोज करो यहां पर, अब सपोज करो ये व्हाइट पेपर क्या है, प्लेन वन है, और ये जो ग्रीन पेन है ये लाइन है आपकी। अब प्लेन और लाइन, ये व्हाइट ये प्लेन है और ये लाइन पैरेलल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्लेन का नॉर्मल होगा, प्लेन का नॉर्मल इस लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। प्लेन का नॉर्मल लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या हैं, ए बी सी हैं। लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या हैं, 1-2-3 है। तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज होगा, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगेगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। A1 की जगह हम A लिखेंगे, A2 की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, B1 की जगह हम B लिखेंगे, B2 की जगह -2 लिखेंगे, C1 की जगह C लिखेंगे, C2 की जगह 3 लिखेंगे इक्वल टू 0। तो A-2B प्लस 3C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब सेकेंड और थर्ड को हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो हमें ABC की वैल्यू मिलेगी, और उस ABC की वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन वन में पुट करेंगे। तो देखो, इसको जो सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि हम सेकंड कोफिशेंट लिख लें। इसे हम डिटर्मिनेंट वाले मेथड से भी आपको बता देते हैं, देखो कैसे करेंगे, समझ लो जरा। डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम ऐसा, ठीक है। क्या बनाया हमने, डिटर्मिनेंट बनाया, इधर ए लिख लिया, इधर बी लिख लिया, इधर सी लिख लिया, ठीक है। ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड में देखें, टू है, ये टू है, ये थ्री है, इधर वन है, इधर -2 है, और इधर 3 है, ठीक है। सब बना लेंगे हम, बना लिया। अब देखो, ए के नीचे क्या आएगा, इसको बंद किया ए को, तो दिस 2 × 3 माइनस 2 × 3 ऐसा आ जाएगा, ए के नीचे आएगा जी, ठीक है। ए आपका क्या है, 2 × 3 है, अब बी के नीचे देखो क्या आएगा, बी के नीचे आएगा, ओके देखो बी को बंद कर लेंगे हम, तो हमें क्या दिख रहा है, 2 1 दिख रहा, 3 3 दिख रहा, तो 2 3 2 3 = 6, 1 3 = -3 आएगा। सी के नीचे क्या आएगा, देखो सी को बंद कर लिया हमने, तो ये आएगा 2 2 = -4 और -2। तो देखो ए अपॉन दिस इज 2 × 3 क्या होगा, 2 × 3 = 6 प्लस 6, बी 3 होगा और C -6 होगा। ओके,
तो ए भी ए की जगह हम 12 पुट कर देंगे, बी की जगह 3 पुट कर देंगे और सी की जगह -6 पुट करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा अच्छा लिखने दिखाई नहीं दे रहा, जी ए है आपका, जी बी है और ये सी है। अब देखो सेकंड में ए का कोफिशेंट 2 है, सेकंड इक्वेशन में बी का कोफिशेंट भी 2 है, सी का कोफिशेंट क्या है 3 है, थर्ड इक्वेशन में ए का कोफिशेंट 1 है, बी का कोफिशेंट क्या है -2 है और सी का कोफिशेंट क्या है 3 है। ठीक ना, ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा 12x-1। ठीक है, 12x-1 +3 बाय -6 जेड +1 =0। ओके, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसे हम डिवाइड भी कर लें, तो कितना बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4x-1, ये y बचेगा, ये -2 जेड +1 क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हम इसे और सिंपलीफाई किए लेते हैं। ठीक ना, तो देखो सिंपलीफाई करेंगे तो 4x-4 +y-2z-2 = 0, दिस इज 4x+y-2z-6 = 0, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ 11th का सेकंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 22-1342 एंड पैरेलल टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो आर 7:0:6। सेम फर्स्ट जैसा है, दो दो पॉइंट से पास हो रहा है और लाइन के पैरल है। हमने इस यहाँ पर इस लाइन का हमने क्या यूज किया था, सिर्फ डायरेक्शन रेशो यूज किया था, 1, -2 और 3 को यूज किया था। तो यहाँ पर उसने आपको डायरेक्शन रेशो दे दिए हैं, तो एक इक्वेशन ये बनेगा 7a+0+6c = 0, थर्ड इक्वेशन बनेगा। ठीक ना, पहला दूसरा इक्वेशन इन दोनों से बनेगा। ठीक ना, तो सेम इसी जैसा है, तो इसको आप लोग होमवर्क में करें। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन, कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन r.i(+2j+3k)= 3। इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से पास हो रहा है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, हमें क्या निकालना है, उसका वेक्टर इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो देखो आपको पता है वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, देखो वेक्टर इक्वेशन होता है, देखो लाइन का जो वेक्टर इक्वेशन होता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ r·a+λb, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो देखो यहाँ पर ए हो जाएगा क्या, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो 0i(+0j)+0k) होगा। क्यों होगा, क्योंकि लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। अब लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सपोज करो व्हाइट पेपर प्लेन है, ये ब्लैक पेन क्या है, लाइन है। अब लाइन परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर, ठीक है, तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा, प्लेन का नॉर्मल और लाइन कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो जो प्लेन का नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे वही लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो हमें देखो इक्वेशन ऑफ एक प्लेन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है r·i(+2j)+3k)=3। तो b हो जाएगा यहां पर, b क्या हो जाएगा, b होगा
आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप होगा बी। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी आर इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू हम रखेंगे तो ये जीरो ही आएगी, तो इसको रखने की जरूरत नहीं है। लैम्डा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, देखो इस इक्वेशन में हमने ए की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा जीरो है, तो जीरो रखने की जरूरत नहीं है। लैम्डा लिखा और ये बी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, दिस इज अवर फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 2, 3, -4 एंड 1, -1, 3 एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो दो पॉइंट से पास हो रही है और किसी लाइन के पैरेलल है, तो क्वेश्चन नंबर 11 जैसा है, हम 11 में भी तो यही था, प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना था, इन दो पॉइंट से पास हो रही थी और इस लाइन के पैरेलल है। तो देखो एक्स एक्सिस का इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हम समझते हैं, देखिएगा ठीक है, 13th है ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखो भैया एक्स एक्सिस 0, 0 से ओरिजिन से पास होगा और उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 1, 0, 0 होंगे। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो अपॉन 1 बाय माइनस जीरो अपॉन 0 इक्वल टू जेड माइनस जीरो अपॉन 0, जेड माइनस जीरो अपॉन 0, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब देखो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं पूरा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग 2, 3, -4 उस प्लेन का इक्वेशन जो 2, 3, -4 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस टू प्लस बी बाय माइनस थ्री प्लस सी जेड प्लस फोर, क्या होगा जेड प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। दिस इज इक्वेशन 1 ले लें, देखो अब इस लाइन को 1 ले लें हम इसको, दिस इज इक्वेशन 2। अब दिस प्लेन ऑल्सो पासिस 1, -1, 3 से प्लेन पास हो रहा है, तो 1, -1, 3 यहां सेटिस्फाई करेगा, x की जगह हम 1 लिखेंगे, y की जगह -1 लिखेंगे और z की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो ये लिखा गया है यहां पर। ओके, तो -a -4b + 7c इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, इसको हमने थर्ड इक्वेशन ले लिया। अब आपको पता है कि जो प्लेन है और जो एक्स एक्सिस है इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। सपोज करो ये वाइट पेपर क्या है, एक्स प्लेन है और जो लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है, अभी दोनों पैरेलल हैं, तो ये परपेंडिक प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब देखो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर, अब एक्स एक्सिस का इक्वेशन हम पहले लिख चुके हैं, एक्स एक्सिस ओरिजिन से पास होता है तो एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जेड माइनस जीरो, और एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो 1, 0 और 0 होते हैं। कैसे होते हैं डायरेक्शन रेशियो, उसको हम एक बार समझाते हैं। एक्स एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 0 डिग्री का, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी, तो बीटा इक्वल टू कॉस 90 होगा। जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये भी 90 डिग्री का बनाएगी, तो गामा कॉस 90 होगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 0, कॉस 90 0, तो इसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो 1, 0, 0 होंगे, यही डायरेक्शन रेशो होंगे। तो यहाँ पर 1 आया 0 आया 0 आया। अब प्लेन 1 और प्लेन 2 आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वह लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइंस, लाइन 1 एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन 2। ओके, तो ये कंडीशन होती है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, प्लेन से a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, तो कंडीशन हम क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो a इंटू 1
प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा। क्या आ गया आपका, ए इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, अब हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करके डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट करेंगे, प्लेन के डायरेक्शन रेशो। ठीक है, तो देखो इस तरह से हम लिखेंगे, देखो इक्वेशन है, पहले तो हम क्या करेंगे, ए लिख लें, बी लिख लें, सी लिख लें। यहाँ पर ए का कोफिशियंट माइनस वन है, बी का कोफिशियंट माइनस फोर है, सी का कोफिशियंट सेवन है। और थर्ड इक्वेशन में जो फोर्थ इक्वेशन है, यहाँ पर ए इक्वल टू जीरो है, तो ए का कोफिशियंट वन है, बी का जीरो है, सी का जीरो है। अब देखो इसे हम डिटर्मिनेंट जैसा ले लें, डिटर्मिनेंट ही बना लें, ठीक है ना। अब देखो तो ए, ए के नीचे क्या आएगा, माइनस फोर इंटू जीरो माइनस जीरो इंटू सेवन आएगा। ओके, तो माइनस फोर इंटू जीरो माइनस सेवन इंटू जीरो। अब यहाँ पर हम माइनस लेते हैं डिटर्मिनेंट में, तो माइनस भी हो जाएगा, इसको बंद किया तो माइनस वन इंटू जीरो फिर माइनस वन इंटू सेवन। ओके क्लियर, तो ये बी पॉजिटिव हो जाएगा अपना। फिर सी लिया, सी को बंद किया तो माइनस वन इंटू जीरो और वन इंटू माइनस वन। ओके, वन इंटू माइनस फोर, तो ये बना लिया हमने। ओके तो ये आ गया ए अपॉन जीरो, बी अपॉन सेवन और सी अपॉन फोर। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन नॉर्मल, प्लेन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, जीरो होगा, सेवन होगा, फोर होगा। अब इसको हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, जो ए बी सी की वैल्यू है, तो जीरो एक्स माइनस टू प्लस सेवन वाई माइनस थ्री प्लस फोर इंटू जेड प्लस फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसे हम और आगे सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखो क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज जीरो, दिस इज सेवन वाई माइनस ट्वेंटी वन प्लस फोर जेड प्लस सिक्सटीन, दिस इज सेवन वाई प्लस फोर जेड। अब माइनस ट्वेंटी वन प्लस सिक्सटीन कितना होगा, माइनस फाइव होगा, इक्वल टू जीरो, दिस इज अवर फाइनल आंसर होगा। ओके, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1 2 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2x माइनस y प्लस 3z माइनस 5 इक्वल टू जीरो। 12 जैसा है, जैसे हमने 12 को किया था वैसे ही करना है, तो इसे आप होमवर्क में करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1 1 1 एंड 1 माइनस 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 5। देखो किसी प्लेन के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें या तो तीन पॉइंट्स की जरूरत होती है, कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, तीन पॉइंट्स की, या फिर दो पॉइंट्स और एक कंडीशन, या फिर एक पॉइंट और दो कंडीशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं और एक कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू माइनस वन वन और वन, इस पॉइंट से पास होने वाला कोई भी प्लेन क्या होगा, ए एक्स प्लस वन प्लस बी बाय माइनस वन प्लस सी जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा। ओके, इसको हम एक प्लेन बन ले लें। अब हम क्या लिखेंगे, दिस प्लेन ऑल्सो पासिस प्लेन वन, ऑल्सो पासिस किससे पास हो रहा है, और वन माइनस वन और वन से पास हो रहा है, तो इसको हम सेटिस्फाई करेंगे, ए वन प्लस वन प्लस बी माइनस वन प्लस सी, जेड की जगह हम क्या रखेंगे, वन रखेंगे, तो वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो टू ए माइनस टू बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड ले लें। अब जो तीसरी कंडीशन दी हुई है, तीसरी कंडीशन क्या दी हुई है, प्लेन वन, ये दी हुई है आपका कि जो प्लेन वन है, प्लेन वन परपेंडिकुलर, हम परपेंडिकुलर का साइन बना रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग, प्लेन वन परपेंडिकुलर टू किस, एक्स प्लस टू वाई
प्लस टू जेड इक्वल टू फाइव। इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगेगी ए वन ए टू, ये होती है परपेंडिकुलर की कंडीशन, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो। दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। दो लाइन परपेंडिकुलर हों तो यही कंडीशन होती है, टू प्लेन्स परपेंडिकुलर हों तब भी यही कंडीशन होती है, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो हैं ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू। ओके, तो ये कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ए इंटू वन होगा, फिर बी इंटू टू होगा, फिर सी इंटू टू इक्वल टू जीरो होगा। दिस इज ए प्लस टू बी प्लस टू सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज थर्ड, ये क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। तो कंडीशन अप्लाई की, देखो दो प्लेन जब परपेंडिकुलर होते हैं उसका मीनिंग है प्लेन के नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है। जब प्लेन और लाइन पैरेलल होते हैं, ये सपोज करो जो व्हाइट पेपर दिखाई दे रहा है जो प्लेन है, ये कोई लाइन है, तो प्लेन और लाइन जब पैरेलल होंगे तो प्लेन का नॉर्मल और लाइन परपेंडिकुलर होंगे, तो उस समय भी परपेंडिकुलर की ही कंडीशन लगेगी। दो प्लेन पैरेलल हैं, सॉरी दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगेगी, एक प्लेन और एक लाइन पैरेलल हैं तब भी परपेंडिकुलर की कंडीशन लगेगी। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को सेकंड और थर्ड को हम साइमल्टेनियसली क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो देखो यहाँ पर हम ए बी ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, ऐसा लिखा हमने, ठीक ना, ए लिखा बी लिखा सी लिखा। ए का कोफिशेंट इधर टू है, बी का कोफिशेंट माइनस टू है, सी का कोफिशेंट जीरो है, इधर वन है, इधर टू है, इधर टू है। अब देखो ए लिया हमने, ए ए इक्वल टू क्या लेंगे हम, ए को बंद कर लेंगे, माइनस टू का इस टू से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस फोर आएगा, इस टू का जीरो से इंटू करके इधर हम माइनस कर देंगे तो जीरो। अब बी पे यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, इसको बंद किया हमने तो टू इंटू टू क्या होगा, फोर होगा, वन इंटू जीरो जीरो होगा। फिर हमने सी लिया इक्वल टू सी पॉजिटिव ही रहेगा, इसको बंद किया तो टू इंटू टू फोर और ये माइनस लगेगा, फिर ये माइनस टू होगा। ओके, तो दिस इज ए अपॉन माइनस फोर, बी अपॉन माइनस फोर, सी अपॉन सिक्स हो जाएगा। देखो ये डायरेक्शन रेशो आ गए किसके, प्लेन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो आ गए, माइनस फोर माइनस टू और सिक्स रेशो हैं, हम इसे चाहें तो माइनस टू से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन टू, ये बी अपॉन टू और ये सी अपॉन माइनस थ्री। तो हम ए की जगह क्या पुट करेंगे, इक्वेशन वन में टू पुट करेंगे, बी की जगह क्या पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, और सी की जगह माइनस थ्री पुट करके हम अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं, देखो यहाँ पर ठीक है, ए की जगह क्या पुट करेंगे, टू, तो टू एक्स प्लस वन इसमें पुट कर रहे हैं हम, बी की जगह क्या पुट करेंगे, टू, तो बाय माइनस वन, सी की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस थ्री, तो जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू प्लस टू बाय माइनस टू माइनस थ्री जेड प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। दिस इज टू एक्स प्लस टू बाय माइनस थ्री जेड, ये कैंसिल हो गया, प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, दिस इज अवर फाइनल आंसर होगा। ओके, क्या है, फाइनल आंसर है। ओके ओके, नाउ 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, वन 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 दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। तो देखो कैसे करेंगे हम, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट दिया हुआ है, वन वन वन, इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स माइनस वन प्लस बी वाई माइनस वन
प्लस सी जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा। इसको हम इक्वेशन वन ले लें, क्या ले लें, इक्वेशन वन ले लें हम इसको, ठीक है। दिस इज इक्वेशन वन ले लिया हमने। अब प्लेन वन, प्लेन वन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू सेवन के परपेंडिकुलर है। तो ए इंटू वन, आप चाहो तो ए इंटू वन प्लस बी इंटू टू प्लस सी इंटू थ्री इक्वल टू जीरो हो गया। दिस इज ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू जीरो, दिस इज सेकेंड ले लिया हमने से। अब ओके क्लियर। अब प्लेन वन, प्लेन वन ऑल्सो परपेंडिकुलर, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, कौन सा प्लेन दिया हुआ है भैया, ये दिया हुआ है 2x माइनस थ्री वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस थ्री बी प्लस फोर सी इक्वल टू जीरो, थर्ड हो गया। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ए बी सी का डायरेक्शन जैसे मिल जाएंगे प्लेन के नॉर्मल्स के, तो वो क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ओके चलो हम सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार फिर समझ लीजिएगा। ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। यहाँ वन है, इसका ए का कोफिशेंट इधर टू है, इधर थ्री है, इधर कितना है टू है, इधर माइनस थ्री है, इधर फोर है। ओके लिख लिया ऐसा। अब देखो, अब ए अपॉन, देखो वन इंटू माइनस थ्री करेंगे, नहीं सॉरी इसको तो हम बंद करेंगे, ये टू इंटू फोर क्या आएगा एट आएगा, और ये नाइन तो प्लस नाइन हो जाएगा। ये बी में माइनस लगेगा, ध्यान रखना, इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो ये फोर माइनस सिक्स होगा। फिर सी, इसको बंद किया, ये माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस थ्री माइनस फोर हो गया। ओके तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन सेवनटीन, ये माइनस बी अपॉन माइनस टू, ये सी अपॉन माइनस सेवन। तो ए अपॉन सेवनटीन, ए बी अपॉन टू है, कितना है बी अपॉन टू है, और ये सी अपॉन माइनस सेवन है, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इन वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करेंगे, इस इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ओके तो अपने आंसर को हम इक्वेशन वन में ए की जगह 17 रखा, बी की जगह 2 रखा, और सी की जगह माइनस सेवन रखा, तो अपना आंसर आ गया 17x प्लस 2y माइनस 7z माइनस 12 इक्वल टू जीरो, क्या आ गया ये अपना आंसर आ गया। ओके अंडरस्टूड, क्लियर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन इन द स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 4, 2, 4 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये दो प्लेन दिए हुए हैं वेक्टर फॉर्म में। देखो एक रास्ता तो ये है कि पहले आप कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन निकाल लें और फिर उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन कैसे निकलेगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 हमने किया है जिस तरह से, उस तरह से निकल जाएगा, ये दो प्लेन बन जाएंगे, एक पॉइंट दिया हुआ है, फिर उस प्लेन को हम किस में कन्वर्ट कर लें, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ओके तो ऐसे उसको किया जा सकता है। तो इन क्वेश्चनों को ऐसे ही करना चाहिए कि पहले उसे कार्टेशियन फॉर्म में आप इक्वेशन निकाल लो प्लेन का, फिर उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। देखो किस तरह से करेंगे, 17 हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू पॉइंट क्या दिया हुआ है आपका, पॉइंट दिया हुआ है 4, 2, 4,
तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा इक्वेशन ए एक्स माइनस फोर प्लस बी बाय माइनस टू प्लस सी जेड माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन बन ले लें। अब जो प्लेन है जो वाला जो किस पे है, अब देखो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू आर डॉट टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस फोर के कैप इक्वल टू माइनस वन। ओके, तो क्या होगा, टू ए प्लस फाइव बी प्लस फोर सी इक्वल टू जीरो बनेगा। क्या बनेगा, टू ए प्लस फाइव बी प्लस फोर सी, टू ए से मिला ए टू, बी से मिला ए फाइव, सी से मिला ए फोर इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये, ठीक ना। अब दिस प्लेन जो ऊपर प्लेन है ये वाला, इसको वन ले लें, हम नाम दे दें इसको, वो सही रहता है नाम देना, ठीक ना। दिस इज प्लेन वन। अब प्लेन वन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, प्लेन वन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, वो दूसरा प्लेन कौन सा दिया हुआ है, आर वेक्टर फोर आई कैप प्लस फाइव जे कैप, नो सॉरी फोर आई कैप प्लस सेवन, क्या दिया हुआ है, सेवन दिया हुआ है, सेवन जे कैप प्लस सिक्स के कैप इक्वल टू माइनस टू दिया हुआ है। ओके, क्या दिया हुआ है, माइनस टू दिया हुआ है। तो इससे क्या बनेगा भाई, इससे भी बन जाएगा आपका फोर ए प्लस सेवन बी प्लस सिक्स सी इक्वल टू जीरो बन जाएगा। इसको हम सेकंड ले लें, इसको थर्ड ले लें। अब इन दोनों को हम सॉल्व करके डायरेक्शन रेशो ए बी सी को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे वो अब कर आप सीख चुके हैं उसको। देखो ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, लिख लिया ए बी सी। यहाँ पर ए का कोफिशेंट टू है, बी का कोफिशेंट फाइव है, सी का कोफिशेंट फोर है, फिर फोर इसमें फोर सेवन और सिक्स, इस तरह से लिख लिया, ठीक ना, क्लियर। अब देखो ए अपॉन, इसको बंद करेंगे हम तो क्या दिख रहा है हमें, इसका इससे इंटू करेंगे तो 30 आएगा, इसका इससे इंटू करके माइनस करेंगे तो 28 आएगा, फिर माइनस बी लेंगे हम, टू सिक्स या ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन, फिर हम सी लेंगे 14 माइनस ट्वेंटी, दिस 14 माइनस ट्वेंटी हो जाएगा, 14 माइनस ट्वेंटी, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन टू माइनस बी अपॉन माइनस फोर और c अपॉन माइनस सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो a अपॉन टू बी अपॉन फोर और c अपॉन माइनस सिक्स। देखो यहाँ पर हमने पहले बता चुके, हम इसे चाहें तो टू से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, डायरेक्शन रेशो है, नहीं चाहें तो नहीं भी करो। तो जो ये बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, देखो a अपॉन वन बी अपॉन टू और सी अपॉन माइनस थ्री, मतलब प्लेन वन के डायरेक्शन रेशो मिल गए हमें, वन टू और माइनस थ्री मिल गए। अब इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, करते हैं हम वैल्यू पुट, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, प्लेन का इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में मिलेगा, किसमें मिलेगा, कार्टेशियन फॉर्म में। तो वो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन किसमें मिलेगा, कार्टेशियन फॉर्म में मिलेगा। तो देखो ये हो जाएगा वन एक्स माइनस फोर प्लस टू बाय माइनस टू माइनस थ्री जेड माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो दिस इज एक्स प्लस टू बाय माइनस थ्री जेड प्लस सेवन ये माइनस फोर माइनस फोर एट, नहीं देखो ये माइनस फोर होगा, ये माइनस फोर होगा, ये ट्वेल्व होगा, तो ये आएगा आपका
तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गया प्लेन का, अब हम इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इन वेक्टर फॉर्म, उसने वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो हम लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करें, इसको लिख लें एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू माइनस फोर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आर आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप इक्वल टू माइनस फोर आ गया। ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो देखो प्लेन के इक्वेशंस जब कभी भी वेक्टर फॉर्म में पूछते हैं तो आपको जैसी सुविधा हो, हम तो सिंपल समझते हैं कि आप कार्टेशियन फॉर्म में उसे सॉल्व कर लें, फिर उस प्लेन को वेक्टर फॉर्म में क्या कर लें, कन्वर्ट करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर लें। ओके अंडरस्टूड, क्लियर। ओके नाउ 16, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट इतने इतने एंड प्लेन पैरेलल टू दिस। ओके तो देखो इसको भी हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट दिया हुआ है टू माइनस वन और माइनस फोर, ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ है। अब इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू ये पॉइंट है कौन सा, टू माइनस वन माइनस फोर, क्या होगा, ए एक्स माइनस टू प्लस बी वाई प्लस वन प्लस सी जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन वन ले लें हम। अब दिस प्लेन वन, दिस प्लेन वन इज पैरेलल, पैरेलल टू प्लेन फोर आई कैप माइनस ट्वेल्व जे कैप माइनस थ्री माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। इसके पैरेलल हैं, पैरेलल हैं तो दोनों के डायरेक्शन रेस, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो कैसे होंगे, सेम होंगे। दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल के डायरेक्शन रेस, नॉर्मल जो दोनों प्लेन का नॉर्मल होंगे वो भी पैरेलल होंगे तो डायरेक्शन रेशो सेम होंगे। तो इससे क्या पता चलता है, ए की वैल्यू फोर होगी, बी की वैल्यू माइनस ट्वेल्व होगी और सी की वैल्यू माइनस थ्री होगी। तो ये वैल्यू को हम प्लेन वन में पुट कर दें, किसमें पुट कर दें, प्लेन वन में। तो रिक्वायर्ड प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, रिक्वायर्ड प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, फोर एक्स माइनस टू माइनस ट्वेल्व बाय प्लस वन माइनस थ्री जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो फोर एक्स माइनस एट माइनस ट्वेल्व वाई माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री जेड माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। दिस इज फोर एक्स माइनस ट्वेल्व वाई माइनस थ्री जेड ए माइनस थर्टी टू इक्वल टू जीरो। अब इसे हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, किस में कन्वर्ट कर लें, वेक्टर फॉर्म में। तो कॉन्स्टेंट वाले टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो फोर एक्स माइनस ट्वेल्व वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू थर्टी टू, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा। अब देखो यहां पर हम लिखते हैं इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, आर वेक्टर दिस इज फोर आई कैप माइनस ट्वेल्व जे कैप माइनस थ्री कैप इक्वल टू थर्टी टू। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके अंडरस्टूड, क्लियर। अल्टरनेटिंग मेथड हम समझते हैं 18 का, ठीक है। देखो इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू फोर आई कैप माइनस ट्वेल्व जे कैप
माइनस थ्री के कैप माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। ओके, कोई भी प्लेन है, कोई भी प्लेन जो इस प्लेन के पैरेलल होगा तो उसमें फोर आर इज तो सेम रहेगा, ठीक ना। इज यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इज लिखते हैं ए आर डॉट फोर आई कैप माइनस ट्वेल्व जे कैप माइनस थ्री के कैप इक्वल टू डी हो जाएगा। कॉन्स्टेंट टाइम्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बाकी ये सेम रहेगा। अब इसको हम बन ले लें। अब प्लेन बन, प्लेन बन देखो हमने क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू आर वेक्टर डॉट फोर आई कैप माइनस ट्वेल्व जे कैप माइनस थ्री के कैप माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, सेम रहेगा पूरा। ये माइनस सेवन हट जाएगा, इक्वल टू डी कर देंगे हम। अब प्लेन वन, प्लेन वन कैसा है, प्लेन वन किसे पास हो रहा है, टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस फोर के कैप से पास हो रहा है, ठीक ना। तो प्लेन वन पासेस किसे पास हो रहा है, ये पास हो रहा है टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस फोर के कैप से, ये पास हो रहा है। ओके, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस आर की जगह हम ये पॉइंट पुट कर देंगे, आर की जगह क्या पुट कर देंगे, ए टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस फोर के पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका, टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस फोर के कैप डॉट फोर आई कैप माइनस ट्वेल्व जे कैप माइनस थ्री के कैप इक्वल टू टी, इससे हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, तो टू इंटू फोर माइनस वन इंटू माइनस ट्वेल्व माइनस फोर इंटू माइनस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा जी। एट प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व इक्वल टू क्या हो गया, डी हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, थर्टी टू आ जाएगी, डी इक्वल टू थर्टी टू आ गई। अब इस डी की वैल्यू को हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन वन। तो रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड प्लान क्या होगा, इस डी की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका आर डॉट फोर आई कैप माइनस ट्वेल्व जे कैप माइनस थ्री के कैप इक्वल टू थर्टी टू, वही आंसर आ गया, ठीक ना। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है जिसे हमने प्योर वेक्टर मेथड से किया है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं।